हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। और गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आर्क सर्वाइवल बोल के आर्क क्या बोल इसके आर्क क्या बोल इसके पिछले एपिसोड में वाह भाई वाह, एक फटके में वुल्फ को मारा है हमारे इस गीगा ने। सो गाइस, आर्क कैबल्स के पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जो है गाइस यहाँ पे एक पावरफुल सा टाइगर टेम करने का काम जो है गाइस वो करा था। ओ बॉय, ये देख रहे हो फुल वुल्फ के आर्मी एक इक्विस के ऊपर पीछे पड़ी है। मैं बचाएगा इस इक्विस, मर गया बेचारे यार, मैं बदला लेगा इक्विस का गाइस। खत्म गाइस, हमारा गीगा जो है ना गाइस, ये ईवो गीगा वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है गाइस, ठीक है। इसका डैमेज काफी ज्यादा हो भी जा रहा है। वैसे पिछले एपिसोड में हम लोग ने एक खतरनाक सा टाइगर टेम करा था, और आज का ये वाला जो एपिसोड है, इस वाले एपिसोड में गाइस हम लोग क्या करने वाले पता है? आज मैं एक नया और डायनो टेम करने के लिए जाने वाला है। वैसे उस डायनो का नाम क्या है वो अभी आपको थोड़े टाइम में पता चलने वाला है, लेकिन उससे पहले जो भी नए बंदे होंगे चैनल पे फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोग को गेमिंग विद एनी के चैनल का, जिनके चैनल पे आर्क की अलग अलग वीडियो जो है गाइस वो अपलोड होती रहती है, तो उनके चैनल को भी जरूर से चेकआउट कर लेना। और अगर आप लोग को आर्क पीसी के सर्वर बना के अपने दोस्तों के साथ खेलना है तो नीचे निट्राडो का लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप लोग जो ना गाइस सर्वर बना के अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। और गाइस, हम लोग ने एक नया आर्क पीसी के गेम प्ले डालने के लिए चैनल खोला है, जिस चैनल का नाम है गाइस यहाँ पे आर्क गेमिंग। उस चैनल की गाइस लिंक आप लोग को कम्युनिटी टैब में शॉर्ट वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस चैनल पे डेली 1 से 2 वीडियोज ना अपलोड होती है आर्क अपग्रेडेड एजी रिबॉन की, काफी ओपी और खतरनाक मॉड है। सो जरूर से चेकआउट कर लेना गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं सॉरी कम्युनिटी टैब में दिए गए लिंक से हमारे नए चैनल को, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हो आर्क गेमिंग, वहां पे हमारा चैनल आ जाएगा। 4000 सब्सक्राइबर है अभी फिलहाल के लिए हमारे चैनल पे। सो चलो गाइज, आज का ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं। और सबसे पहले ना मैं इनकी पैसिव लिंक जो है गाइज वो बंद कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हील करने के लिए कोई नहीं है। और वो डिओडॉन फालतू में जो है ना गाइस अपनी हीलिंग एबिलिटी यूज कर रहा है, उसमें उसका फूड बार जो है ना गाइस वो खामखा यहाँ पे डाउन हो जाएगा, इसलिए मैंने उसकी हीलिंग एबिलिटी बंद कर दी है, ताकि वो जो फूड मैंने उसके अंदर डाल रखा है वो जब हमको काम हो तभी गाइस यहाँ पे यूज हो। वैसे गाइस, हम लोग ने पिछले एपिसोड में 2 टाइगर टेम करके इनका जो है ना मेटिंग करा के एक बच्चा भी निकाल दिया था। और गाइस, अभी मैं आज क्या करने वाला हूँ, आज कौन सा डायनो टेम करने वाले। सो गाइस, मैं यहाँ पे ऐसे सर्च कर रहा था कि कौन कौन से डायनोज गाइस अवेलेबल है। सो मैंने यहाँ पे चार्चा का भी सैडल देखना रहा था, तभी ना मुझे यहाँ पे चार्चा का सैडल तो दिखा, बट उसके साथ साथ ना एक ये कार्ट भी दिखी, ये है आरुचोस कार्ट सैडल। अभी जब मैंने ये आरुचोस जो नाम है ना गाइज वो यहाँ पे सर्च करा, तो गाइज ये देखो आरुचोस। सो ये डायनो जो है ना वो हमारे मैप पे अवेलेबल है, बट ये सारे आरुचोस जो है ना गाइज वो सारे के सारे ए टू जेड आरुचोस, आई थिंक से एक भैंसे की तरह दिखने वाला कोई तो भाई डायनो है, ये सारे के सारे आइस बायोम में स्पॉन हो रखे हैं। मतलब अगर मुझे इनको टेम करना है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा आइस बायोम में, और वहीं पे जाके मैं इन लोग को गाइस पकड़ सकता हूँ। तो चलो गाइस, टाइम वेस्ट ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधा निकलेंगे आइस बायोम की तरफ और वहाँ से इस नए डायनो को टेम करके लाते। इस डायनो को टेम करने के लिए मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ये जो डायनो है ना आरुचोस, इसके ऊपर जो सैडल लगता है वो एक्चुअली में एक कार्ट है, और मुझे देखना है एक भैंसे को जब हम लोग कार्ड वाला सैडल पहनाएंगे तब ये कितना ज़्यादा खतरनाक दिखेगा। और क्या हम लोग उस कार्ड के ऊपर घर वगैरह भी बना पाएंगे? ओ गाइस, सोचो कार्ड के ऊपर घर बना पाए हम लोग, भाई चलता फिरता घर तेरे भाई का, वो भी भैंसा अटैच होगा भाई उस घर को, भाई इसे घुमाते रहेंगे अपने भाई छोटू से घर को। देखते चलो, देखते कितनी बड़ी कार्ड बनती है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगेगी, क्या क्या चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, उस कार्ड के साइज पे डिपेंड करता है। देखते ये बेसा पहले तो कितना ज़्यादा बड़ा है, अभी तो गाइज हम लोग को ज़्यादा दूर जाना नहीं है, ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं। और गाइज अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो कर दो यार, इसका इंतजार कर रहे हो। ओ यहाँ पे ग्रिफिन का स्टैचू भी बना हुआ है यार एक, ओ ये क्या चीज़ है, ये जैसे मैं पहले भी देख चुका हूँ ना। ओके, यहाँ पे ग्रिफिन से एक वॉरियर है जिसका स्टैचू है, और वहाँ से चल चल के हम लोग इस इक्विस के पास आ सकते हैं, ठीक है। इस वाले मैप में ना इक्विस को कुछ ज़्यादा ही फुल इज्जत दी गई है यार, हर जगह पे इक्विस के स्टैचू लगाए गए हैं। चलो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, मुझे प्यास भी लगी हुई है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ हमारे वाटर बॉटल से। ओके, 800 मीटर दूर है,
मैं वहां से ना एक टीवी भी बेच दूंगा। अरे यार मुझे थाइलो लेके आना चाहिए था ना, मैं उसके ऊपर बैठ के आराम से इसको टेम कर सकता था। पहले मैं देख लूं कि ये पैसिव टेम है या नॉकआउट टेम है। यार कुछ तो चीज है भाई, भाई नीचे कुछ तो भाई प्रॉब्लम चल रही है भाई। चिल्लाए जा रहे भाई नीचे डायनोस, आपस में लड़े जा रहे। ये क्या बदतमीजी है यार, मैं इतने ज्यादा दूर आया भी बोल रहे भाई ये भेजा गायब हो चुका है, अगले वाले भेजे के लोकेशन पे चले जाओ। भाई ऐसा थोड़ी होता है, अभी वहां पे जाऊंगा बोलेंगे ये वाला भैंसा भी मर चुका है, अगले वाले लोकेशन पे चले जाओ। भाई चल क्या रहा है ये आउरुचुस, भाई ये आउरुचुस जिंदा हो भाई, ये 750 वाला नहीं है, ये थोड़ा लो लेवल का है शायद से। ओ ये रहा भैंसा, उई कुल्लू एक नंबर है मेरी जान। ठीक है ठीक है ठीक है, नॉकआउट टीम है। ये क्या चीज है, क्रायो प्लस 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 प्लस। अबे ये मुझे बर्फ छोड़ रहा है गाइस, रुको घर पे जाने की जरूरत नहीं है। आई थिंक से ट्रैकर लगा हुआ है, अपने डायनो पे ट्रैकर लगा हुआ है ना, थाइलो पे। हाँ थाइलो इधर आ भाई। ये क्या चीज है भाई, भैंसा छोड़ो भाई, भैंसे मिलके इसको मार रहे भाई। नॉकआउट है पता नहीं भाई, सारे भैंसे। अरे भैंसा गैंग उसको पेटी बना दी यार, भैंसा गैंग उसकी पेटी बना दी भाई। वहाँ भैंसे बावड़े हो गए भाई, फुल फुल बावड़े हो गए भैंसे, फुल बावड़े हो गए भाई। भाई मुंह से भाई बर्फ छोड़ रहा भाई, फ्रीज कर देगा यार ये भाई। उसको मारो ना यार तुम लोग। भाई ये कौन आ गया बीच में, मुझे वो ग्रीन कलर का भैंसा चाहिए भाई। उसको फ्रीज लगा हुआ है, फिर भी मान नहीं रहा। भाग जाना मेरे जान, भैंसे मारा जाएगा भाई। भाग अभी, भाग अभी, भागेगा अभी, भागेगा। मैं इन सबको संभाल लूंगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं इन सबको अच्छे से संभाल लेता हूँ। मेरा मेन आज का मोटिव है भैंसा टेम करना, ठीक है भाई। कुछ ज्यादा ही बसड़ मची हुई है यहाँ पे। ये ले बेटा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा सबकी। भाई अर्जेंट टेविस पे आ गया भाई थर्ड पार्टी करने के लिए, भैंसा नॉकआउट हो चुका है वैसे। नहीं, मेरे को मार। ओए ओए, अरे तेरे बेस का भैंसे को क्यों मार रहे हो यार, मेरे प्यारे भैंसे को मार दिया यार। मैंने पूरी कोशिश करी उसको बचाने की, मार दिया भाई ये क्रायोलो पोलो सोरस भाई जो भी नाम है। हाँ तू भाई, कलर काफी बढ़िया था यार इस भैंसे का, एक नंबर दिख रहा था भैंसा का, इस ग्रीन ग्रीन कलर का फूल भाई। इसने मार दिया इस चमन से भाई, क्या बोले भाई, इसका नाम भी पता नहीं। इसको पकड़ेंगे हम लोग भाई, रुको अगले भैंसे की लोकेशन 725 ना, बहुत दूर जाना पड़ेगा यार, वापस से उड़ उड़ के इतना दूर जाना पड़ेगा। बताओ यार काम का मार दिया भाई, भाई मैंने उसको भाई बेहोश करके दूर में लेके गया था, वो मुझे मारना छोड़ के ना वो भैंसे के पीछे ही लग गया। मैं उसको मार रहा था गाइस, देखा आपने, मैं बाइट कर रहा था उसको, ब्लीडिंग अटैक दे रहा था, बट मुझे फुल इग्नोर मारा। ये भी लाइक मैं तो मरेगा बट तेरा भैंसा खा के मरेगा। ठीक है भाई देखते चलो, इस भैंसे का कलर अच्छा हो बस भाई, मेन चीज है कलर गाइस। कलरफुल डायनोस मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है भाई, ठीक है मुझे कलरफुल डायनोस जो है कुछ ज्यादा ही पसंद है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम तो होगी गाइस थोड़ी, क्योंकि बर्फ वाला एरिया है तो ये किसी ना किसी से फाइट तो ले रहा होगा भैंसा। ये शांति से बैठने वाले भैंसों में से तो नहीं है। कैसा कलर है भाई, हाथ तो ये भाई मेरे को कलर अच्छा नहीं लगा भाई। भाई हेलो वुल्फ 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 है, ठीक है रुको। यहाँ पे मैंने ग्रीन भैंसा देखा है, मुझे ग्रीन भैंसा मंगता है। आई नीड दिस ग्रीन भैंसा, इसकी हेल्प करनी है तो पीछे से वुल्फ को एक चुम्मी देनी पड़ेगी। अबे यार वुल्फ तो नहीं मरा, मेरे फटके से भैंसा जरूर मर गया ग्रीन वाला। ए चल क्या रहा यार, चल क्या रहा भाई, चल क्या रहा है, वो कहाँ चला गया भैंसा, मर गया क्या ये भी भाई। मैं जहाँ जा रहा हूँ आगे भैंसे मारे जा रहे भाई, क्या करूं मैं। तूफान भी आ चुका है भाई, तूफानों से डरते नहीं हम लोग। चलो आ जाओ भाई 300 मीटर दूर, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां का भैंसा कोई ना कोई मार रहा है, क्या करूं मैं भाई। तुम लोग तो शांति से बैठे हो ना, ये बैठा तो ये शांति से, लेकिन कलर अच्छा नहीं यार इसका, मैं कोई इसका भाई भैंसे का कलर अच्छा नहीं लगा।
आई नीड कलरफुल भैसा, मेरे को कलरफुल वाला भैसा चाहिए भाई, ये ना चाहिए यार, मुझे ये पसंद नहीं आया भाई, बट थोड़ा लेवल हाई है तो इसको पकड़ता हूँ, और एक कलरफुल भैसा भी मैं ढूंढ के रहूँगा भाई, 700 लेवल का, तो इसको मैं पकड़ लेता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि हमारी कार्ड भाई जो है ना गाइस, वो दौड़ाने के लिए हाई लेवल के भैसे की ज़रूरत है हम लोग को, तो मैं पहले इसको पकड़ता हूँ, रुको, अरे क्या कर रहे हो यार तुम, रिंगा रोजेस कर रहे भाई, गोल गोल घूम के तो ऐसे आ रहा है जैसे कि मैं देख ही ना पा रहा हूँ यार इसको, ब्राजेस और बावड़ा हो गया ना, बैंड बजा देगा भाई, भाग जा भी, भाग जा चल, भाग जा यहाँ से चल, जल्दी भाग जल्दी भाग, इसके लिए मेजोबेरी चाहिए होगी 16, ठीक है, मतलब इंतज़ार तो करना पड़ेगा भाई मुझे थोड़ा सा, लो लेवल का भी भाई कलरफुल भैसा मिल जाए ना मैं खुश हो जाऊँगा भाई, लो लेवल का कलरफुल सा भैसा, ठीक है चलो, ये भाई एकदम परफेक्ट जगह पे बेहोश भाई, यहाँ पे कोई भी इसको उंगली करने नहीं आएगा, बस मुझे 16 मेजोबेरी इसको खिलानी पड़ेगी, वो भी मेरे पास नहीं, रुको गाइस मैं 16 मेजोबेरी लेके आता हूँ, फिर इसके हंगरी होने का इंतजार करेंगे, मेजोबेरी तो मुझे मिलेगी गाइस नीचे, ये रे यार यहाँ पे मेजोबेरी काफ़ी सारी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, रुको मैं यहाँ से मेजोबेरी ले लेता हूँ, फूल्स भी काफ़ी सारे, हेलो हेलो क्या कौन भाई, हीरो बनेगा, बिठा लेना भाई मेरी जान, वुल्फ्स लाड में आ रहे हो क्या, देखो तो भाई कौन सा पाइलो कोलियो मेरे पास है, लाड में हमला करने के लिए आ रहे यार ये लोग, तो ज़्यादा ही लाड में आ रहे हैं हमला करने के लिए, बाय बाय सी यू लेटर, चलो भाई मैं मेजोबेरी इकट्ठा कर रहा हूँ, लगभग 16 मेजोबेरी चाहिए मुझे, 13 मिली अभी तक, 20 मिल गई, 22 मिल गई, स्पॉइल भी हो जाएगी ना थोड़ी सी, क्योंकि इंतज़ार करना पड़ने वाला है मुझे यहाँ पे अभी थोड़ा, भाई उठा ना 5-12 भाई हो जाएगा, इतने से काम हो जाएगा, चलो चलते ऊपर और उसको भाई पटाख से टेम कर लेते हैं, वैसे इसके हंगरी होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, सो मैं अपने थाइलों के ऊपर बैठ के यहाँ पे इसके हंगरी होने का इंतज़ार करता हूँ, आप बोलोगे आइस भाई पैम में तूफान आया हो तुमको ठंड क्यों नहीं लग रही है, ये जो भाई मेटल का सूट देख रहे हो, हम लोग जब गए थे लावा वाले एरिया में तब ये मुझे हीट कर रहा था, ये हीट इसलिए कर रहा था क्योंकि इसमें जो है ना गाइज हाइपर क्या हाइपोथर्मिक इंसुलेशन है, सो इसलिए ना आइस वाले बायोम में हम लोग जो है ना सेफ है, हमको ठंडी वगैरह लगेगी नहीं और उस रीज़न से हेल्थ वगैरह डाउन नहीं होगी, सो हम लोग आराम से जितना टाइम चाहे उतना टाइम इस तूफान में यहाँ पे बैठे रह सकते हैं, बस इसके हंगरी होने का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे गाइस हंगरी हो जाएगा इसको बेरीज खिला के पटाख से डेट कर लूंगा, तब तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस। A few moments later. इंतजार करते करते तूफान तो जा चुका है, बट क्या ही टेम हो पाएगा, इसका फूड बार ज्यादा वैसे डाउन नहीं हुआ है, ठीक है मैंने इसके अंदर बेरी तो डाल दिया, खा रहा है आराम आराम से खा रहा है भाई, आराम से खा रहा है भाई इजिली टेम हो जाएगा ये भाई, ये उतना ज़्यादा जो है ना उसका फूड बार नहीं बढ़ रहा है, जब ये बेरी खा रहा है 25 बढ़ रहा है खाली फूड बार, बस 25 या 15 बढ़ रहा है, इजीली डेम हो जाएगा 56%, और चस जो है ना गाइस ये हमारा बुल टेम हो चुका है 75, 82%, लेट्स गो बॉयज, ये किसी भी समय यहाँ पे अभी टेम हो सकता है 88%, 94%, और ये हो गया गाइस हमारा बुल टेम, बट मुझे ना गाइस थोड़ा सा कलरफुल वाला एक बुल चाहिए, ठीक है इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ भाई कलरफुल वाला बुल ढूंढने के लिए, देखता हूँ मैं अलग अलग लोकेशन से वो अलग अलग लोकेशन जो है ना गाइस चेकआउट करूंगा, देखता हूँ मुझे भाई कलरफुल वाला जो है ना बुल कहाँ मिलता है, कोई भी कलर चलेगा, नॉर्मल कलर नहीं चाहिए, और ये जो नया डायनो मैंने देखा था ना मुंह से डिलोफोसोरस की तरह था गाइस वो डायनो, बट मुंह से ना बर्फ छोड़ रहा था यार, वो काफी अजीब था, ये वाला एक और मुझे बुल का झुंड मिला है, ये बुल्स जो है ना गाइस वो झुंड में ही रहते हैं इतना तो मुझे पता चल चुका है, ठीक है इस वाले झुंड में उतना ज़्यादा कुछ कलरफुल सीन नहीं दिख रहा, मैं ऊपर चलता हूँ, ये ना तीन चार के झुंड में रहते हैं गाइस, ओके तीन के चार के झुंड में रह रहे हैं, और ये झुंड भी ज़्यादा दूर नहीं है, प्लीज़ इसमें कुछ अच्छा कलर हो भाई, प्लीज़ भाई ये अकेला नहीं है यहाँ पे, इसका झुंड भी तो होना चाहिए यार, ये तो अकेला है बेचारा यार, यहाँ पे इस बेचारे का झुंड ही नहीं है, ठीक है मैं देखता हूँ, रुको ये वाला भी देख लिया मैंने, अबे मार क्यों रहा भाई, ये वाली लोकेशन ये पिछले वाले, ये पीछे जो लोकेशन है ना वहाँ पे एक बार चेक करके आता हूँ मैं, यहाँ पे शायद से मुझे कलरफुल वाला बुल जो है गाइस वो मिल जाए, ठीक है मज़ा आ जाएगा गाइस, ठीक है 1700 मीटर ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँच जाएंगे तुरंत ही,
वैसे यहाँ पे ओ स्नोवल्स भी है भाई, इस वाले एरिया में स्नोवल्स भी है। और यहाँ पे गाइस कुछ स्ट्रक्चर भाई डरावने से भाई, खोपड़ियाँ वगैरह बनी हुई है, काफ़ी डरावने डरावने स्ट्रक्चर बने हुए हैं भाई। और पूरा का पूरा देख रहे हो गाइस यहाँ पे ऐसे फॉग फैला हुआ है इस वाले एरिया में, फॉग फैला हुआ है भाई। चलो कोई ना, हम लोग पहुँचने वाले ऑलमोस्ट हमारे बुल के लोकेशन पे। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन या फिर ऐसी कुछ कलर का बुल मुझे देखने को मिल जाए। वाइब्रेंट वैली में है क्या ये लोग? तो अच्छा वाइब्रेंट वैली नहीं है यार, ठीक है ठीक है, मुझे लगा वाइब्रेंट वैली वगैरह है। ये तो और नीचे है भाई, कितना नीचे हो रहा है। अरे गुफा भी फार्म है क्या नीचे बोल रहे? नीचे कितना नीचे और? ओ यहाँ पे सोलो है क्या ये? ओ यहाँ पे ओ यस मुझे मिल गया भाई ब्लू कलर का, ब्लू कलर का बुल भाई, ब्लू कलर ब्लू कलर ब्लू कलर, आई लाइक ब्लू कलर है। कितना है भाई? 4000 टॉर्पोर है, मैं इसको एक हेड मारूंगा तो काम हो जाएगा भाई। क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है भाई, क्या लग रहा है भाई, मारने आ रहा है क्या? पट्ट से बम शॉट, लेट्स गो बॉयज। इसके पार्टनर लोग नहीं आ रहे हमारे ऊपर हमला करने के लिए। चलो आराम से भाई बैठा रहता हूँ मैं। अब ये ब्राचियोसॉरस जो ना उसको मार ना दे भाई कहीं पे, ब्राचियोसॉरस को ज्यादा ही चुल मच रही है, मार ना दे बस इसको भाई। इसके हंगरी होने का इंतजार करना है, मैं ब्राचियोसॉरस से थोड़ा दूर ही रह के भाई बैठ जाता हूँ वैसे, वरना ब्राच वो उसके नज़दीक जाऊंगा तो हमला करेगा और वो बुल को हमला लगेगा और बेचारा मर जाएगा, ठीक है। सो आराम से बैठे रहते हैं, उस बुल का थोड़ा सा बस फुटबॉल डाउन हो जाए, मैं उसके अंदर मेजोबेरी डाल के टेम कर लूंगा, ठीक है। रुको गाइस, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओए गाइस मैं वो हंगरी होने तक ना थोड़ा बाहर गया था, मैं आके क्या देखता हूँ एक ड्यूडोन की पूरी गैंग आके मेरे बुल को भाई, मेरे बुल को खा गई यार भाई। मेरे नसीब में कलरफुल बुल को टेम करना लिखा ही नहीं है भाई, भाई फ्री में आके उसको खा के चले गए भाई ये लोग। गाइस मेरा दिमाग घूम रहा अभी भाई, मेरा बहुत ज्यादा दिमाग घूम रहा भाई, ये ऐसा थोड़ी होता है यार। मैं आराम से बैठा था, ये बुल भी भाई एक एक पटके के मेहमान है यार, तुरंत ही इनकी भाई यहाँ पे हेल्थ डाउन हो जाती। चलो गाइस हम लोग ने कलरफुल बुल को टेम करने की कोशिश करी, बट हमसे कलरफुल बुल टेम नहीं हो पाया, ठीक है। सो अभी चुपचाप से घर पे चलते, जो अपना बुल इकलौता भाई अपने पास हाई लेवल का पड़ा हुआ है उसको भाई कार्ट लगाते और देखते गाइस उसके कार्ट पे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। कलरफुल बुल मिल जाता ना मजा आ जाता भाई, कलर काफी भाई डेंजरस थे और खतरनाक थे भाई, ब्लू कलर था, ग्रीन कलर था, काफी बढ़िया बढ़िया कलर थे यार। तो कोई काम करता, इनकी लोकेशन में रिमूव करता पहले तो। थाइलो को लियो सर आपका काम हो चुका है, सो थाइलो को मैं यहाँ पे पार्क करके रख देता हूँ। एंड बुल का जो सैडल है ना वो मैं भाई असेंडेड वाला ही बना लेता हूँ डायरेक्टली, तो क्या बोलते हो गाइस? इसकी कार्ड असेंडेड सीधा सीधा असेंडेड वाली बनेगी अभी यार। रुको भाई ये क्या हो रहा है भाई, चढ़ नहीं पा रहा था मैं ऊपर, रुक जाओ गाइस भाई, ये हार क्रेटोस और इसकी पूछ देख रहे हो, हार पार आ रही है, ठीक है। चलो मैं इसके सैडल को अपग्रेड कर लेता हूँ असेंडेड भाई कार्ट में, बुल असेंडेड बनेगा भाई, बन गया असेंडेड बन चुका है। इसका पहले ब्लूप्रिंट बनाएंगे, ब्लूप्रिंट बना के अपने इन्वेंट्री में लेंगे इसको और बनाएंगे इसका वापस से सैडल भाई। 352 मैक्स आर्मर वाला सैडल जो है गाइस वो हमारे पास आ चुका है इस बुल का। अभी देखते हैं गाइस कि ये जो बुल है इसकी जो कार्ट है उसके ऊपर हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हैं, या तो इसी शो के लिए वो कार्ट दी हुई है, ठीक है। ये रहा गाइस हमारा बुल आरुचोस, ए भाई लगा इसको, ओ भाई इसकी कार्ड तो देखो, इसकी कार्ड तो देखो, क्या मैं इसके ऊपर फाउंडेशन लगा पाऊंगा गाइस? क्या हम लोग इसके ऊपर फाउंडेशन लगा पाएंगे? कैन आई प्लेस अ फाउंडेशन ऑन दिस? व्हाट सच में जमीन पे तो नहीं लग रही है ना ये? रुको है गाइस ये फाउंडेशन लेके चलेगा क्या? हाँ यार फाउंडेशन, लेकिन ये अजीब लग रहा है यार, थोड़ा अजीब लग रहा है गाइस, थोड़ा सा अजीब लग रहा है इसलिए नहीं लगाएंगे यार, थोड़ा अजीब लग रहा है भाई, पर ना मैं लगा देता गाइस लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। मैंने एक वीडियो में देखा था किसी ने ना उसके ऊपर वो कैनन्स वगैरह लगाए थे बड़े वाली, और टेरेट्स लगाए थे। टेरेट लगाऊंगा क्या मैं भी? क्या लगाते टेरेट्स ना, टेरेट्स टी ओ, हाँ
टेरेट्स लगाना है मेरे को उस पे, ये वाली टेरेट है, ये वाली टेरेट। रुको आगे इसमें देखता हूँ मैं लगा सकता हूँ कि नहीं उसके ऊपर, ये वाली टेरेट भाई ठीक है, मशीन गन वाली टेरेट है भाई, मिनी गन टेरेट है, मिनी गन टेरेट लगाऊंगा और जो भी आएगा उसको भाई भून के रख दूंगा। भाई दो लोग होते ना तो मजा आ जाता, एक भाई मशीन गन चलाता और मैं भाई यहाँ पे अपने बुल को चलाता। ठीक है रुको मैं काम करता, इसके ऊपर टेरेट लगाता, टेरेट डायरेक्टली उई लग रही है यार, वो माँ को तुरु लग गई। रुको भाई टेरेट लगा के घूमेंगा भाई अपन, रुको भाई जा रुको, मजाक थोड़ी है। ठीक है कैसा, हाँ मेरी जान, क्या बोल दी पब्लिक भाई, टेरेट में भी भाई बैठ सकता मैं टेरेट के अंदर भी बैठ सकता हूँ भाई, इसके ऊपर एक बड़ी सी टेरेट है, इसमें राइड कैसे करते लेकिन माउंट, अरे भाई रुक जाओ, माउंट नहीं कर सकता क्या मैं इसके ऊपर, क्या मैं माउंट कर सकता हूँ, एक्सेस इन्वेंट्री कर सकता हूँ बट मैं इसके ऊपर बैठ नहीं पा रहा हूँ यार गाइस, शायद से बैठ गया गाइस, ये देखो यार, दब 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 दब, गोलियां नहीं है, गोलियां नहीं तो ऐसा गोलियां चलाएंगे हम लोग भाई, खतरनाक यार। ओ इसका मैं डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ क्या, ओके हम लोग इस मिनी टेरेट का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस, ये देखो लाइक दिस, इस तरीके से इसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, मजा आ गया। ओवरवेट हो चुका है भाई, टेंशन को लेने का, ये ले वेट में पॉइंट, ये तेरे हेल्थ में पॉइंट, 20,000 में इसकी हेल्थ कर रहा हूँ भाई, ठीक है, ये भाई इसके स्टैमिना में पॉइंट, ये रहे भाई इसके मिली डैमेज में पॉइंट, ठीक है भाई, टेरेट वाला कार्ड लेके चलाएंगे हम लोग, ये देखो क्या लग रहा भाई, क्या लग रहा है गाइज, लेट्स गो बॉयज, लेट्स गो भाई, चंडी करके रख दूंगा गाइज, रुकना एडवांस बुलेट बन रही है क्या थोड़ी, ए भाई तुम लोग भाई थोड़ा अपना पैसिव लिंक ऑन कर दो यार, ऑन कर दो दोनों भाई, इस गरीब को भाई थोड़ा हील कर दो जी, हाँ गरीब को हील कर दो जी, तब तक मैं बुलेट्स वाले बुलेट्स का सीन देख लेता हूँ कि एडवांस बुलेट्स कितनी बनती जी अपने पास, ठीक है एडवांस बुलेट बना के उस टेरेट में डालता हूँ और देखना तुम्हारे भाई का जलवा, एडवांस बुलेट 1,000 बनेगी, अरे बन जाएगी 1,000 बुलेट, चलो गाइज काम चालू भाई 1,000 बुलेट बनाने का यहाँ पे, रुको गाइज जैसे बुलेट बन जाते हैं ना 1,000 वैसे मैं आपसे मिलता हूँ, रुको गाइज वेट अ मिनट, टेरेट के अंदर ये बुलेट डाल के ना तबाही मचा डालेंगे हम लोग। 3 days later गाइज काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और हमारा जो बुल है वो भी यहाँ पे हील हो चुका है, और ऊपर ना 1,000 टेरेट्स की जो बुलेट है ना वो बन गई थी, उसके बाद मैंने और गाइज यहाँ पे बुलेट बनाने के लिए डाली है, 1029 बुलेट्स बन के रेडी हो चुके हैं, 1000 बुलेट जब बनी ना तब हमारा जो बुल है गाइज वो हील नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा भाई थोड़ा और इंतजार कर लेते और अभी देखना इसके अंदर गई है एमो, ठीक है गाइज बैठा दे रहा भाई इसके ऊपर और बूम, आवाज नहीं आ रहा, साइलेंट मोड पे चल रही है क्या गन, गोलियां तो निकल रही है, रुको ट्राई मारते भाई, जरा मुझे इसके मूवमेंट स्पीड में भी पॉइंट डालता हुआ, थोड़ा स्लो है भाई, है भाई रुक जाओ गाइज, मैं हमारे बुल को और इस टेरेड मशीन को लेके ना जा रहा हूँ ब्रोंटोसोरस के पास, ठीक है चल भाई डरे है क्या, जिम करे भाई, लेट्स गो चलती फिरती टेरेड भाई, वैसे इसका डैमेज कितना जा रहा है वो देखना पड़ेगा, वैगन्स के भाई चक्के जो है गाइस वो भी गोल गोल घूम रहे भाई, देखना कैसे मजेदार है, मुझे ये देखना है कि हमारे इस बुल का डैमेज कितना जाता है, इसके पास खुद के कितने अटैक है, वैसे सिंग मारने वाला अटैक है, वो तेजी से दौड़ने वाला एक अटैक है, ठीक है और खाना खाने वाला अटैक, क्या रे भाई तेजी से दौड़ना चालू भाई, तुम भाई ऊ करते रहोगे मैं भाग जाऊंगा भाई, तुम ऊ करते रहो मैं कल्टी मार दूंगा भाई, भाई मेरा भाई बुल बहुत ज्यादा तेजी से भाग रहा है, चलो कल आना, अरे गिर गया बुल, कोई ना नो प्रॉब्लम, फुल स्पीड में दौड़ेगा, मैं मेरे बुल का डैमेज कहीं ज्यादा नहीं जा रहा है ये मैंने नोटिस कर लिया है, इसके डैमेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आ रहे गए पीछे भाई, दो पीछे आ रहे भाई, ये कहाँ से आ गए, एक और 500 का डैमेज दे रहा है यार, फिर भी 500 का डैमेज है भाई इसका, मुझे लगा था ज्यादा डैमेज नहीं जाएगा, फिर भी 500 का डैमेज जा रहा है, ये ले भाई सिंग घुसा के मारूंगा मैं, भाई सिंग घुसेड़ के मारूंगा, ओ मैंने इसको आर्मर पहना रखा है ना इसलिए भाई इन लोग का डैमेज मेरे ऊपर ज्यादा नहीं पड़ रहा, ये लो बेटा ये ले
भाई रुक जाओ, मशीन गन कैसे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से डायनोस को मारने के लिए नहीं लेके आया हूँ मैं। एक और इनका भाई आ गया यार, कितने लोग आ रहे हो भाई। एक के मरने के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के मरने के बाद तीसरा आ रहा है, चल के आ रहा है। हो गया चलो। और ये जो है ना कैसे थिंग से बेरीज, यस भाई बहुत सारी बेरीज भी इकट्ठा कर सकता है भाई, नाइस। इसकी स्पीड थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, चल आ जाओ। अभी ना मुझे ब्रोंटोसॉरस ढूंढना है गाइस, ठीक है। अब वो रहा ब्रोंटो यार, वहीं पे है, जल्दी चल, फुल स्पीड में दौड़े दौड़े जाऊंगा मैं, ठीक है। ये रहा ब्रोंटोसॉरस ना, बराबर। ये क्या चीज़ है भाई, ये लाल नीला हुआ हुआ, ये क्या है? अबे ब्रोंटो नहीं, ब्रोंटो के पीछे क्या है? ये हॉर्स है, होली खेल के आया क्या भाई? कलर जबरदस्त है यार, 36 बोल रहा है गाइस इसको चाहिए वो। अरे तो भाई नहीं टेम करेगा मैं, 36 मेजो बेरी भाई इसको खिलाएगा कब? हाँ ठीक है, रुको अभी देखो तेरे भाई का जलवा। बुल को यहाँ पे ऐसा पार्क करेंगे, उसके बाद बैठेंगे मशीन गन पे, ब्रांडो सरप्राइज। हाँ पड़ रहा है डैमेज भाई, मुझे लगा डैमेज नहीं पड़ रहा भाई, पड़ रहा है सरप्राइज ब्रांटोसॉरस सरप्राइज। रुक ये ले, हेड पे ले। अबे डैमेज क्यों नहीं पड़ रहा भाई, बुल को मार भी देगा क्या? पड़ रहा है सरप्राइज ब्रांटोसॉरस, मशीन गन से जल्दी करके रख दूंगा भाई। अरे यार बुल बावड़ा हो गया भाई, बुल भी लाइक ना भाई मैं भी मारेगा इसको, बुल भी मारना चालू कर दिया और मैं मशीन गन से इसको अलग से मार रहा हूँ, खलास। ओ यस बॉयज, भाई बुल और मेरा कॉम्बो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक। बुल ने भी इसको मारा गाइज, और मैंने अपनी मशीन गन से भी इसको दो डाला। रुको सामने एक और ब्रांटो है गाइज, एक और ब्रांटो, हटो रे साइड, हट जाओ भाई लोग। बस रुको, माउंट करो इसके ऊपर, ये रहा ना, ठीक है। रेंज से बाहर है क्या? लगा तो सही, लग तो रहा, लग रहा है। चल रही है मशीन गन। कितनी फेल तो होने दो, मर गया भाई, खुलास मशीन गन से ही फेल डाला भाई, चलती फिरती मशीन गन गाइस। भाई ब्रांटो वगैरह को, भाई ब्रांटो की हेल्थ वैसे काफी ज्यादा होती है, सो अगर मैं ब्रांटो को मार पा रहा हूँ तो एक बार रेक्स के ऊपर ट्राई करा जाए बॉयज। मैंने यहाँ पर रेक्स देखा था एक कहीं पे, और ऊपर से भाई बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ भी सकता है यार बुल, भाई खतरनाक है गाइस। इसके लिए लाइक तो बनता है भाई लोग, और सब्सक्राइब भी करना नहीं करा होगा। तो वो देखो सामने है एक रेक्स, वाह ठीक है, माउंट भाई, एक्सेस विक्सेस नहीं रे, माउंट भाई सीधा, रुको हम मर जाएंगा यार वो, जल्दी भाई माउंट। हाँ कल बेटा रेक्स वा, अरे पेल डाला रेक्स को, थेरी को गोली ना लग रही है यार इसका। ये मशीन गन का एम जो है ना वो थोड़ा सा उतना कुछ खास नहीं। हो भाई कैसे हिल रहा है, देखो ये कैसे हिल रहा है, देखो तेरी, मरा। मेरा बुल भी मारेगा और मैं भी मारेगा इसको, मेरा बुल और मैं दोनों मारेगा भाई। ये ले मशीन गन से भी मार खा ले और बुल से भी मार खा ले, खलास। हो ये पीटी के ऊपर उड़ गया पीटी, अरे यार उड़ गया पीटी भाई, खतरनाक यार, बम मजा आ गया गाइस। चलती फिरती मशीन गन प्लस भाई अपना खतरनाक सा बुल जिसकी स्पीड है बहुत ही ज्यादा तेज। सो कैसे लगा गाइस हमारा ये बुल और हमारी ये चलती फिरती मशीन गन, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बता देना गाइस। और मैं क्या इसके साथ टीपी मार सकता हूँ घर पे? बोले तो मशीन गन को साथ में लेके घर पे टीपी हो पाएगा? अरे इजी पीजी, नो प्रॉब्लम हो भाई, मशीन गन भी मेरे साथ टीपी हो गई यार यहाँ पे। यार जबरदस्त है यार ये बुल, मजेदार है, मजा आ गया यार इसको डेम करके। चलो एक काम करते हैं गाइस, आज का ये वाला एपिसोड इसी खतरनाक से और मजेदार से बुल को टीम करने के साथ ही भी खत्म कर लेते हैं। मिलते हैं सीधा गाइस सबसे अगले एपिसोड में, आज क्या बलिश के, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो है गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं सीधा आपसे अगले एपिसोड में, आज क्या बलिश के, तब तक के लिए बाय बाय। एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा दे बाय बाय दे गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते सीधा अगले एपिसोड में, बाय बाय गाइस। And how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.